welcome in anna's classes today we are going to start our topic correct forms of the verb and in this topic the next topic is pst second pst second is here denotes to past simple tense past simple tense we have to denote here pst second because we already denote pst to present simple tense so past simple Today we have to going to start. So first of all, we denote the helping verb that only in negative and interrogative sentences. Man verb second. v2 जिसे हम v2 भी कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ डिड यूज़ करनी है जो ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करनी है आप ये याद रख सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में हमें जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी है मैन वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम वी टू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब देखिए कि इस टेंस के अंदर जब भी हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेड और डेड नॉट का यूज़ करेंगे जबकि मैन वर्ब डिड के साथ जो मैन वर्ब है वो वी टू नहीं आएगी डिड के साथ आपको मैन वर्ब मैं पहले भी आपको एक जो ट्रिक है इसको बता चुकी हूँ कि डिड के साथ यानी डी, डी डी वन डी डी वन का हमें फार्मूला लर्न करना है यहाँ डि डू और डज डिट डू एंड डज इन सब के साथ हमें फर्स्ट या वी वन का यूज करना होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम वी वन से डिनोट करते हैं डिड डू और डज तो इसलिए यहाँ हमें क्या समझ में आया कि जब सिंपल सेंटेंसेज हो जब हमें डिड का यूज नहीं करना है तो हमें मैन वर्ब वी टू का यूज़ करना है लेकिन जब हमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जा रहा है और हमें डिड का यूज़ करना है तो हमें वर्ब की वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर टॉपिक एंड फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सम एडवर्बियल्स वेज आर आर यूज इन पास्ट सिंपल टेंस सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द एडवर्बियल्स ऑफ पी एस टी पी में जो एडवर्ब्स हैं जिनके ज़रिए हम ये पहचान करेंगे हम रिकगनाइज़ करेंगे कि जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है वो पी का है या पास सिंपल टेंस का है उसके लिए हमें कुछ एडवर्बियल्स लेने हैं जैसे कि हम हर टेंस में लिखवाते हैं और लिखते हैं लास्ट नाइट लास्ट ईयर लास्ट मंथ लास्ट वीक एडसेट्रा देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवर्ब है और तकरीबन इस एडवर्ब इनमें से किसी भी एक एडवर्ब में आपको एक क्वेश्चंस पेपर में ऑलमोस्ट दिया हुआ रहता है उसके बाद देखिए लॉन्ग एगो समटाइम्स बैक यस्टरडे वंस इन 2009 2000 जो भी बैक ईयर्स आपके हैं 2020 और 21 से पहले तो उनमें से कोई भी ईयर आपका जो पास्ट में है वो आ सकता है एड सेक्टर्स इसके अलावा भी और कुछ जो कंडीशन पर डिपेंड होते हैं तो एडवर्बल्स और पी एस टी को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे और तकरीबन इन्हीं एडवर्ब में से आपको क्वेश्चंस मिलेगा और हम फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को बहुत आसानी से भरेंगे अब हम इन्हीं एडवर्ब्स पर कुछ एक्सरसाइज तो जो एडवर्बियल्स हमने लिखी हैं उन्हीं को लेते हुए अब हम पी एस टी सेकेंड पास सिंपल टेंस की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा देखिए आपके लिए एडवर्बियल्स और एक्सरसाइज दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी नहीं आएगी अपन एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो अप नहीं कर सकते और हम मार्क्स नहीं ला सकते तो इसलिए आप जहाँ से वापस देखिए द वैदो वेरी गुड लास्ट वीक तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना है एडवर्ब अब एडवर्ब जब हमने फाइंड आउट कर लिया है तो अब हमें पता है कि पी की एडवर्ब में लास्ट वीक जो है वो हमें ये टच करवा देता है कि हमें कहाँ जाना है पास्ट सिंपल टेंस में जाना है पास्ट सिंपल टेंस में हम जा चुके हैं अब हमें यहाँ पर सेंटेंस टाइप देखना है सेंटेंस सिंपल है ना तो यहाँ कोई नॉट या निगेटिव जैसा साइन है ना यहाँ कोई इंटरोगेटिव जैसा साइन है तो हम समझ चुके हैं कि सेंटेंस सिंपल है और सिंपल सेंटेंसेस में वी डोंट यूज़ एनी हेल्पिंग वर्ब तो हमें डायरेक्ट वर्ब पे जाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर फिल करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में देखिए यहाँ बी वर्ब्स दी हुई है बी वर्ब्स क्या होती हैं मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बी वर्ब्स में इज एम आर आपके फर्स्ट फॉर्म्स में आता है वाज एंड वर आपका सेकेंड फॉर्म्स में आता है और बीन आपका थर्ड फॉर्म में आता है तो यहाँ हमको सेकेंड फॉर्म भरना है तो हम क्या भरेंगे वाज और वर में से अब आप देखिए कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल द वेदर करेक्टिव नाउन हमें यहाँ पर इसको प्लू सिंगुलर लेना है तो अब आप देखिए कि बी की सेकेंड फॉर्म में सिंगुलर वर्ब्स है वाज तो यहाँ हम फिल करेंगे द वेदर वॉज वेरी गुड लास्ट नाइट देखिए बी वर्ब्स बहुत बार लिखी हुई आती हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है बी वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज व सेकेंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और बीन थर्ड फॉर्म तो इस में जो वर्ब्स की जो भी फॉर्म्स आपकी जिस सेंटेंस में आएंगी आप उसको फिल करेंगे सेंटेंस में चलते हैं हिज इन अप्रैल लास्ट लास्ट ईयर ईयर देखिए किससे डिनोट है ये डिनोट कर रही है पी एच टी सेकेंड पास्ट सिंपल टेंस को तो हम पहुंच गए पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंस फिर से देखिए सिंपल है नो no नेगेटिव no तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म भरनी है तो डाई की सेकेंड फॉर्म है diet. कितना सिंपल है अगर आप स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं तो बहुत सिंपल है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना आगे देखिए थर्ड थर्ड में ही लॉस हेज मोबाइल ऑन द ट्रेन यस्टरडे तो हमने एडवर्ब पकड़ी यस्टरडे हम पहुंचे पास्ट सिंपल टेंस में पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंस अगेन सिंपल तो लॉस की सेकेंड फॉर्म हमें यहां पर भरनी है लॉस्ट फोर्थ वन वाई डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है तो हम यहां से भी पता लगा सकते हैं कि वाक्य इंटरोगेटिव है और लास्ट में भी पता लगा सकते हैं कि वाक्य इंटरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क है अब यहाँ ही देखिए आपको फिर से एडवर्ब लास्ट नाइट दिखाई दे रही है लास्ट नाइट मीन्स हमें कहाँ जाना है पास्ट सिंपल टेंस में अब पास्ट सिंपल टेंस में यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है कि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है इंटरोगेटिव है तो इसके लिए हमें वाई डब्ल्यू एच वर्ड के साथ या जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है डिड अभी तक हम सिंपल सेंटेंसेस भर रहे थे तीनों सेंटेंस हमने सिंपल भरे हैं वहाँ हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की है लेकिन चूंकि अब जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव आ रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है और उस वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करनी है मैंने पहले आपको लिखवा दिया है कि हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ आएगी वो आएगी डेड डेड यहाँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट एवर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल आपको दोनों ही नंबर्स पर डिड का ही यूज़ करना है मैंने यहाँ डी कैपिटल लिखा है थोड़ा सा हाईलाइट होने के लिए तो वाई डिड यू कॉल मी डी डी वन ध्यान रखिएगा डिड के साथ हमें ओनली फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है इसलिए हमने कॉल को कॉल ही लिखा है फर्स्ट फॉर्म के रूप में वाई डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट अंडरस्टैंड नेक्स्ट सेंटेंस ही नाट प्ले हॉक यस्टरडे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस देखिए टाइप जब अगर नॉट आ गया है तो सेंटेंस निगेटिव है इस चीज को आप ध्यान रखेंगे सेकेंडली हम चलते हैं एडवर्बियस पर यस्टरडे है तो यस्टरडे जो एडवर्ब है वो पी एस डी सेकेंड यानी पास सिंपल टेंस से रिलेटेड है तो हम जाएंगे पास सिंपल टेंस में अब निगेटिव सेंटेंस में भी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इसलिए हम यहां लिखेंगे डेड नॉट डिड के साथ आपको नॉट लगाना है डिड नॉट इन निगेटिव सेंटेंस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज की आपने नॉट के साथ डिड नॉट डिड नॉट प्ले हॉकी येस्टरडे कितना सिंपल था आपको सिर्फ रूल्स याद करने हैं रूल्स को फॉलो करना है और इसी तरीके से आप अपनी बुक्स एक्सरसाइज साथ में करते जाइए एंड थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स फॉर माई ऑल वीडियोज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग